हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। और वी आर रिवाइजिंग द इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्ट्स फ्रॉम द लूस एंड्स। और आज हमारा जो टॉपिक है, दिस इज मेजर आइलैंड्स। इट हैज़ बी रेटेड ओ, बट इट इज़ मेजर मेजर आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेम, व्हाट इज द लोकेशन एंड एरिया। सो एक्चुअली दिस इज़ गिवन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर चार पांच नाम आप याद कर लेते हो, लोकेशंस याद कर लेते हो, तो एटलीस्ट यू विल हैव सम आइडिया दैट वेयर आर द लोकेशन ऑफ आइलैंड। ठीक है, आइलैंड इज अ पार्ट विच इज सराउंडेड बाई द वाटर फ्रॉम एवरी साइड। जब तीन साइड से हो तो इट इज़ पेनिनसुला। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। फर्स्ट जो है, वी हैव ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का अगर लोकेशन अगर देखा जाए तो इट इज़ सेइंग दैट द अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, एंड इट इज़ 21,075,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे न्यू गियाना जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, 821,400। नीड नॉट टू वरी, आई हैव अ पिक्चर इन विच आई विल टेल यू ऑल द मेजर आइलैंड्स, व्हाट आर द लोकेशंस, ठीक है, एंड वेयर दे आर ग्रुप टुगेदर। बोर्नियो जो है वो इंडियन ओशन में है, मेडागास्कर इंडियन ओशन में है, और इंडियन ओशन में अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो बोर्नियो 751,000 किलोमीटर स्क्वायर, वही मडागास्कर 587,041। ठीक है, सुमात्रा, सुमात्रा जो है इंडियन ओशन में है, इसका भी जो एरिया है 42,000, छोटा है कंपेरेटिवली। वही बफिन आइलैंड जो है कनाडा, नॉर्थ आर्कटिक ओशन में 50741। जापान में चार आइलैंड्स, होन्सु, होकिडो, ये होन्सु की बात कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में एरिया 230,092, 230,02, अभी भी एक ग्रीनलैंड से छोटा है। ठीक है, ब्रिटेन की अगर बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 229,849, वहीं विक्टोरिया आइलैंड आर्कटिक ओशन में, एल्समेर आइलैंड आर्कटिक ओशन में, सुलावेशी इंडियन ओशन में, ठीक है, 178,700 एरिया स्क्वायर किलोमीटर। वहीं साउथ आइलैंड नॉर्थ और साउंड को न्यूजीलैंड को कुक आइलैंड ऐड करता है, या मतलब ज्वाइन करवाता है। साउथ आइलैंड जो है वो साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में 150,460 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं जावा जो है, जावा इंडियन ओशन में, आपने सबने सुना होगा मलक्का स्ट्रीट, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, तो इंडोनेशिया। और यहाँ पे आप देखें कि इंडियन ओशन में 1,26,400 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर के साथ, ये जो आपका है पॉसिबली ये आपका थर्ड या फोर्थ जो आइलैंड है इन साइज। नॉर्थ आइलैंड जो है साउथ वेस्टर्न, न्यूजीलैंड का नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, ये दोनों साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, और इन दोनों को कनेक्ट करता है कुक स्ट्रेट। वहीं क्यूबा, क्यूबा जो है इट इज़ इन द कैरेबियन सी, 110,922। लूजॉन आइलैंड, फिलिपिन सी, साउथ चाइना सी, और ये यहाँ पे आपको दिखेगा साउथ चाइना सी वाले लोकेशन में, लूजोन आइलैंड 104,688। वहीं आइसलैंड अटलांटिक ओशन में, आयरलैंड जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, तस्मानिया इज इन सराउंडेड बाय इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। वहीं श्रीलंका जो आपको दिखता है इंडियन ओशन में, और पाक बे जो है वो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। ये फैक्ट्स हैं कुछ, इसको अगर रिवाइज करना है आप देख सकते हैं वीडियो को एक बार रिकैप करके, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट कि वो लोकेशंस कहाँ हैं, तो इसके लिए आई हैव सम वर्क आई हैव डन फॉर यू। सो मेजर आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड जो हम कवर करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। 28 कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन करता है, कंसीडर करता है कि दीज आर द स्मॉल नेशंस डेवलपिंग स्टेट्स, ठीक है, और ये सब आइलैंड्स हैं। इनकी लोकेशंस अगर आप देखोगे तो दिस इज योर अटलांटिक ओशन, और इस अटलांटिक ओशन जो इसका एरिया है, इस अटलांटिक एशियन में, ये कैरेबियन रीजन है। इस कैरेबियन रीजन में आपको कुछ आइलैंड्स के नाम दिखेंगे, जैसे बहामास, किटीज एंड नेयास, एंटीगुआ एंड बरमूडा, डोमिनिका, सेंट लूसिया, बारबाडोस, ग्रेनेड, ट्रिनिडाड एंड टोबैको, जमैका, सेंट विंसेंट। तो बेसिकली ये सब जो नेम है, जब इंडियन क्रिकेट टीम हम मैच खेलने जाती है वेस्ट इंडीज में, तो ये आप सबको नाम सुनने को मिलता होगा। वैसे ही अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में देर इज अ काबो वर्डा, ठीक है, देन सामूटो, ये सब अटलांटिक ओशन के वो है। इंडियन ओशन में अगर देखे आइलैंड्स की बात करें तो ये श्रीलंका था, ठीक है, दिस इज योर श्रीलंका, और इंडिया का रीजन, दिस इज योर इंडिया का रीजन, ठीक है, देन देयर इज आल्सो सम, दिस इज योर मेडागास्कर एरिया, और यहाँ पे है
दिस इज इनफैक्ट दिस इज मोजाम्बिक, और ये मोजाम्बिक चैनल है, ये मेडागास्कर है, ठीक है। देन देर इज मॉरिशस, कॉमरोस, सैचल्स और मालदीव। क्वेश्चंस आते हैं नॉर्थ टू साउथ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, वहीं तामूर लेस्ते यहाँ पे आपको दिख जाता है। अब वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस में बहुत सारे का नाम आ रहा था, तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे दिस इज योर पापा न्यू गिनीवा, ठीक है। एंड देन वनाटू, टोंगा, फिजी, फिजी भी यहाँ है, तुवालू, समाओ, सोलोमन आइलैंड, नाउरो, किरीबाती, पलाऊ, और ये माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स, यूएस के अधीन है ये, ठीक है। ये सब जो है डेवलपिंग स्मॉल आइलैंड्स, डेवलपिंग तो आइलैंड तो है, हमने जस्ट अभी उसके लोकेशंस को देखा है। कहानी आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आपको कैरेबियन वाले में हमें और थोड़ा अच्छे से देखने को मिल जाता है। इससे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का एरिया है, ठीक है। और दिस इज योर सेंट्रल अमेरिका, इनफैक्ट दिस इज योर सेंट्रल अमेरिका, और यहाँ पे आपको कुछ आइलैंड्स जो दिख जाते हैं इस तरीके से, क्यूबा, ठीक है, क्यूबा के अंडर है, एंड देन हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टो रिको, और ये देखो पोर्टो रिको, देन डोमिनिका, एंटीगुआ एंड बारमूडा, बारबाडोस, ग्रेनेड, वही जो अभी हमने देखा था सेंट लुइस, ठीक है। अभी जो हमने देखा था दिस एरिया, हम इसी एरिया को विस्तृत तौर पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कैरेबियन वाले रीजन में। और विस्तृत तो देख सकते हो आप यहाँ पे, अगेन सेंट्रल अमेरिका, निकारगुआ वाले रीजन में आप देखो जमैका, वर्जिन आइलैंड, पोर्टो रिको, ठीक है, ये सब आप देख लेना, मार्बाडोस, ग्रेनेड, ट्रिनाड, टोबैको, गुयाना और सुरीनाम का एरिया। सो दिस इज द वे ऑफ योर लुकिंग एट द आइलैंड्स। इंडियन ओशन में मेजर आइलैंड्स अभी तो हमने सिर्फ चार देखे थे जिसको आइलैंड डेवलपिंग स्टेट माना जाता था। हम इंडियन ओशन में अच्छे से देखेंगे तो सबसे पहले हमें श्रीलंका दिखेगा, अंडमान एंड निकोबार मिलेगा, फिर मालदीव, फिर सैचिल्स, ठीक है, देन ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, एक ये रीजन है जो ब्रिटिश के अंदर है, देन मॉरिशस, ठीक है, मायोती, कॉमरोस, मडागास्कर और रीयूनियन आइलैंड, ये किसके साथ है, फ्रांस का। इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं, नॉर्थ टू साउथ लोकेशन, नॉर्थ में सबसे ऊपर मालदीव और सबसे नीचे है रीयूनियन, जस्ट उसके आगे पीछे की आप कहानी देख लेना। मालदीव के बाद सैचिल्स हो गए, सैचिल्स के बाद बीआईओटी, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे आ सके। वैसे स्कोत्रा के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये इंडियन ओशन में लोकेशन है और ये अमन यमन के पास है। कोकोवा आइलैंड जो है वो यहाँ पे इंडियन ओशन में ही है, बट इट इज क्लोज टू योर जावा वाले रीजन में। बनियाक आइलैंड्स, क्रिसमस आइलैंड, बैरो आइलैंड्स, देन और भी आप देखोगे अंटार्कटिक वाले रीजन में तो आपको दिखेगा एमस्टरडम आइलैंड, एमस्टरडम आइलैंड है ये, सेंट पॉल आइलैंड, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, हर्ड आइलैंड और किंग आइलैंड। किंग कहाँ पे रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। सो ये इंडियन ओशन में इतने सारे आइलैंड्स हैं जो आपने देखा। कमिंग अगेन, ये जो है आपका पैसिफिक ओशन में इतने सारे आइलैंड्स हैं जो अभी हमने आप देखा था। PNG स्टैंड्स फॉर पापा न्यू गिनीवा, सोलोमन आइलैंड्स, नाउरू, किरिबाती, फिजी, वनातू, टोंगा, कुक आइलैंड्स, ठीक है, ये नॉर्थ का रीजन है, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ, और इन दिनों के बीच में कुक स्ट्रेट है। सो ये आपके इस तरीके से हवाईज एयर, हवाई जापान का होकुडू जो है ऊपर वाला है, ठीक है। तो ये इसी के बारे में अभी हमने लूसेंट के फैक्ट्स में देखे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। आर्कटिक ओशन वाला रीजन है और ये अटलांटिक ओशन वाला, और यहाँ पे आपको ये अटलांटिक ओशन में ये आपको ग्रीनलैंड वाला रीजन ये। सो दिस वे आपने इम्पोर्टेंट जो है जो आपके आइलैंड से उसको देख लिया। सबसे बड़ा आइलैंड जो इसमें आपके पास है दैट इज द ग्रीन आइलैंड, इसको याद रखिएगा। एरिया इज 21750 75000, 21750 मेजर आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वीडियो इफ यू लाइक, अगर रिवाइज करने में अच्छा लगे जस्ट गिव अस अ लाइक, कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।